इस देश में अगर आप पैदा नहीं हुए हैं, यहाँ के गांव खेत खलिहान को आप नहीं जानते हैं, आप भारत की राजनीति नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, समय देखिए, मेरा ये मानना है कि मिश्रा जी हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे नाराज हो, क्योंकि इन्होंने 5-6 बार मोदी जी से मिल लिया, 5-6 बार ये अमित शाह से मिल लिए, अब क्या है कि राहुल गांधी जी इनको मिल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि मिश्रा जी हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे नाराज हो, क्योंकि इन्होंने 5-6 बार मोदी जी से मिल लिया, 5-6 बार ये अमित शाह से मिल लिए, अब क्या है कि राहुल गांधी जी इनको मिल नहीं पा रहे हैं। तो आप का आकलन क्या है कि क्या इसमें पूरी तरह से जो कांग्रेस नहीं मान रही है, राहुल गांधी सोनिया गांधी इनका फेलर है नहीं है? देखिए, विगत कुछ वर्षों से, मतलब 2014 या उसके पहले से, आप देखिए कांग्रेस में लगातार फेल्योर होता जा रहा है। इस फेल्योर का एक बड़ा स्पेसिफिक रीजन है, भारत की, इंडिया की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को आप समझिए। इतने स्टेट हैं, डिफरेंट तरीके के कल्चर हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो पॉलिटिकल पसंद भी पब्लिक की डिफरेंट डिफरेंट है। नेता कौन होता है? भारत एक ऐसा देश जहां इतनी पॉलिटिकल विविधताएं हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, वहां पे एक सक्सेसफुल नेता, लीडर एज ए डिसीजन मेकर वही होगा जो ग्राउंड से उठा हो। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सोनिया गांधी जी का इंडिया और इंडिया के पब्लिक और कल्चर से कितना इंटरेक्शन है समझ सकते हैं। शादी के बाद वो यहाँ पे आई, घर में रही, उतना ज्यादा उन्होंने दौरा या पब्लिक इंटरेक्शन नहीं किया है जो एक बचपन से यहाँ पे पैदा होता है। सेम कंडीशन राहुल गांधी की है, प्रियंका गांधी कुछ बेटर मानी जा सकती है। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है उसका पूरा तरीका ये है कि जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में एक सीईओ या मालिक जो है अपने एक एसी केबिन में बैठ के लेता है डिसीजन, एब्स्ट्रैक्ट डिसीजन लेता है। पॉलिटिक्स ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसके डिसीजन आप जो है एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ करके वहां से लेंगे। आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस के डिसीजन में क्यों हो रही है, ये एक सवाल बनता है। और उसके पीछे रीजन ये है कि आज की डेट में कांग्रेस को लीड दो लोग कर रहे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इनका इंटरेक्शन भारत की भौगोलिक और कल्चरल और राजनीतिक विविधताओं से उतना है नहीं, ये समझ नहीं पाते हैं चीजों को कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। इसीलिए हर जगह कुछ ना कुछ इफ एंड बट्स लग जाता है। और उसकी परिणति क्या हो रही है, आप ये देखिए, इनकी पार्टी में जिन लोगों को भारत की पॉलिटिकल विविधताओं का अच्छा ज्ञान है, वो अच्छे रहे हो, बुरे रहे हो, हारे हो या जीते हो, यानी वो नेता जो संघर्ष करके जमीन से यहीं पे पैदा हुए, यहीं से उठे हुए हैं, वो इनके ऊपर आप क्वेश्चन लगाना, इनके नेतृत्व पे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आपने देखा, सिद्धू ने भी जो है कुछ ना कुछ लगा ही दिया, कपिल सिब्बल है। अच्छा, ये नेता, जैसे अगर कपिल सिब्बल का एग्जाम्पल लीजिए, अगर ये टूट के अलग होंगे, एक रिफ्ट पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि कपिल सिब्बल केवल अकेले होंगे, उनके साथ 4-6 दिग्गज नेता और होंगे, और उन्होंने जो बोला, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए उसके फेवर में, यानी कपिल सिब्बल के स्टेटमेंट के फेवर में 1-2 लोगों ने और बोल दिया कि हाँ भाई ये सही कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अंदर अंदर एक बहुत बड़ा टर्मोइल है, और उस टर्मोइल को मैनेज करने के लिए भारतीय नेताओं की, भारतीय राजनीतिक जो विविधता है, उन सबकी समझ ये माता और पुत्र दोनों को नहीं है उतना। उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, आपको बहुत कल्चरल इंटरेक्शन करना पड़ता है। केवल एक जो है स्टैटिक वे में आप बैठ के डिसीजन ले लीजिए कि जी हम पार्टी के हेड हैं तो इनको हटाओ, इनको लाओ, इनका साथ दे दो, ऐसे ही किसी का साथ न तो पकड़ा जाता है न छोड़ा जाता है। बिल्कुल, यही हॉचपॉच होती है। जी जी, जो अमरिंदर सिंह ने बात, देखिए, अगर टॉप लीडरशिप की हम बात करें ना, तो और उसका अगर पिरामिड बनाया जाए, बॉटम टू टॉप अगर देखें, पॉलिटिक्स में वो नेता कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है जो 100% किसी भी एक्टिविटी के लिए अपने सलाहकार की टीम पे 100% आत्मनिर्भर हो। अगर आपको स्वतः ज्ञान नहीं है, आपको खुद का एक्सपीरियंस नहीं है भारत में, भारत की पॉलिटिक्स का, यहाँ होमोजीनियस टाइप का पॉलिटिकल कल्चर नहीं है साहब, ये अमेरिका और ब्रिटेन नहीं है जहां एक ही लैंग्वेज है, एक ही तरह के कपड़े हैं, एक ही तरह, वहां डाइवर्सिफिकेशन नहीं है अमेरिकन और इन सब कल्चर में, इटली वगैरह में। मिश्रा जी, त्रिपाठी जी आगे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए त्रिपाठी जी। मिश्रा जी देखिए, सबसे सर्वप्रथम मैं मिश्रा जी को प्रणाम करता हूँ, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और उन्होंने बहुत सारे सलाह दिए, उसको मैं मानूंगा, पार्टी भी मानेगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारी कहीं कमियां हैं और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग बैठ करके वो बताते हैं कि ये कमियां हैं, उसको माननी चाहिए, मैं स्वीकार करता हूँ। दूसरी चीज, एक चीज मिश्रा जी ने जो कहा कि आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पब्लिक इंटरेक्शन नहीं करते हैं, पब्लिक से मिलते नहीं है, या पब्लिक को जानते नहीं है, मिल नहीं पाते,
या जाते नहीं है, जो भी है इनका बात हो। देखिए मेरा ये मानना है कि मिश्रा जी हो सकता है व्यक्तिगत तौर से नाराज हो, क्योंकि इन्होंने 5-6 बार मोदी जी से मिल लिया, 5-6 बार ये अमित शाह से मिल लिए। अब क्या है कि राहुल गांधी जी इनको मिल नहीं पा रहे, तो हो सकता है व्यक्तिगत तौर से नाराज हो। लेकिन मेरी नाराजगी ये है कि मुझे प्रधानमंत्री अन्नदाता बॉर्डर पे बैठे हैं मोदी जी, कम से कम मिश्रा जी अपने माध्यम से यही कहवा दीजिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री से, किसानों से मिल लीजिए, यही तो है 5-7 किलोमीटर दूर पर। नहीं नहीं त्रिपाठी जी, आपको 8 बजे का पार्लियामेंट देखने जा सकते हैं, जो त्रिपाठी जी मेरी बात सुनिए, जरूरत नहीं आप बुला के कितना बना है। मेरी रुचि, हम लोग भी अपना गाँव में मकान वगैरह बनाते हैं, ठेकेदारों से पूछ लेते हैं। त्रिपाठी जी मेरी रुचि न राहुल गांधी जी से मिलने में है, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल गोल नहीं है, न किसी और पार्टी के नेता से मिलने में है। रही बात आत्ममंथन, आप ये करिए, देखिए हम तो भाई जितनी भी पार्टियां हैं सबको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं कि भाई आप विजयी भाव, आप अपनी सरकार बनाइए, संघर्ष आप वही कर रहे हैं। आत्ममंथन इस चीज को करिए कि हर जगह बवाल क्यों होता जा रहा है, हर जगह कन्हैया कुमार जिसको कल तक आप लोग विरोध करते थे, जो आपके विरोध में खड़ा था, इतने कितनी बैसाखियां बदलेंगे सर आप रेस जीतने के लिए। मैं बोलना ये चाहता हूं, और आपके भले के लिए बैसाखी बदलने से आपके पांव मजबूत नहीं होंगे। इंटरेक्शन की बात जो मैंने बोली है वो 101% सही है। चलिए इस देश में अगर आप पैदा नहीं हुए हैं, यहाँ के गांव के कल्याण को आप नहीं जानते हैं, आप भारत की राजनीति नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, समय हमारे साथ एक मिश्रा जी है, मैं उनके पास आऊंगा। मिश्रा जी इस चीज को आप कैसे देखते हैं, कैप्टन साहब शाह से मुलाकात होती है उनकी, कहा यह जा रहा है, आकलन ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश में लगी हुई है, एक तो किसान आंदोलन का हल भी उनके जरिए निकालना चाहते हैं, और पंजाब में जो करना है, क्योंकि बीजेपी के पास पंजाब में खोने के लिए कुछ नहीं है, ना वहां संगठन है, क्योंकि अकाली हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में रही है, तो पंजाब में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या इस तरह की तैयारी आपको लगता है, आपका विश्लेषण यही कहता है कि इस तरह की तैयारी चल रही है? एक तीर से दो शिकार नहीं, दो निशाने नहीं, एक तीर से कई शिकार जी। अकाली दल आपने शब्द बोला, लेकिन अकाली दल की देखिए चुपचाप वो देख रही है, उसकी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आई है, ये उनकी अपनी रणनीति है। वो टाइम आने पे देखिए आम आदमी पार्टी भी उछल पड़ी, जब बिल्ली के भाग्य से छीका फूटता है तो सब लोग उसमें, जैसे लूट मस्ती है ना सत्ता की, वो चन्नी साहब भी, कांग्रेस भी, सिद्धू भी, कैप्टन साहब को भी मैं उसी में इंक्लूड करता हूँ। इनकी जो दो मुलाकातें हैं उसका बड़ा सीधा सा ये है, चूंकि अभी तक पूरी लाइफ कांग्रेस से जुड़े थे, अब वो जो एक प्लेटफॉर्म है वो वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। डेफिनेटली अगर आदमी स्वस्थ है और उसके अंदर कैपेबिलिटीज है तो वो या तो अपना प्लेटफॉर्म बनाएगा, आप ही के टीवी चैनल पे मैंने बोला था ऑप्शंस 3-4 हैं, या तो अपनी पार्टी बना लें, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी को सपोर्ट करें, बीजेपी ज्वाइन करें। वापस जो दिख रहा है वो कांग्रेस में जाएंगे नहीं, और न कांग्रेस उनको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अंतर कलह इतना बढ़ गया है, चैलेंजर्स इतने सारे, उनके आधी आधी उम्र के लोग उनको चैलेंज कर रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री पद जो है छोड़ने के लिए विवश कर रहे हैं। तो ये जो है एक पॉलिटिकल है। डोवाल साहब से जो उनकी मीटिंग हुई है उसपे भी मेरा एक सवाल है, आप 4-5 साल वहां पे इतने दिन तक थे तो आपने एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। रही बात आंतरिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय जो खतरे होते हैं उसके लिए भारत के पास अभी नहीं, पहले से भी एक सेंट्रल विजिलेंस टीम होती है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट का मुख्यमंत्री अगर ना बताए, केंद्र को जो है नोटिफाई ना करे, तो भारत सरकार की अपनी एजेंसियां होती हैं, जो कि एजेंसीज होती हैं, जो कि पूरे विश्व में बदलते हुए परिवेश के ऊपर निगाह रखती हैं। डोवाल साहब से भी मिल करके उन्होंने जो भी बोला होगा वो वही सिद्धू के बारे में ही बोला होगा, और सिद्धू के बारे में बोल के कहीं ना कहीं सिद्धू के कारण जो उनको नुकसान हुआ है वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि सिद्धू को अब इस तरीके से कर दीजिए, जो एक खीज होती है ना वो चीज है। तो यहाँ पे भी ये पॉलिटिकल है। देखिए कैप्टन साहब सुरक्षा के कोई बहुत बड़े जानकार नहीं है, अगर मैं देखा जाऊं सीएम वगैरह है पॉलिटिक्स के जानकार हो सकते हैं, लेकिन एक सुरक्षा विशेषज्ञ तो वो है नहीं। तो डोवाल साहब को जाकर के वो क्या बताएंगे? जितनी भी चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेशर टैक्टिक्स, देखिए एक बहाने से किसी ने किसी तरीके से अब अपने दुश्मन को आपको निपटाना है। कैप्टन साहब के साथ और कुछ हो या ना हो, लेकिन एक खीस जरूर होगी कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, और कांग्रेस में भी जो हुआ, तो डेफिनेटली वो जाते जाते या जो भी है फ्यूचर के लिए वो इतना
कम से कम रास्ते में कांटा बो देना चाहते हैं, एक सबक सिखाने वाली बात है। जी 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 तो वो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है वो बीजेपी में जाए, हो सकता है अगर वो अपनी पार्टी भी खड़ी कर लेंगे तो वो भी बहुत सशक्त पार्टी होगी, ऑप्शन वो भी है। और बीजेपी डेफिनेटली चाहेगी, बीजेपी देखिए अकाली दल से भी ये पंगा नहीं ले सकते हैं और वहां के कांग्रेस से भी ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि पंजाब में इनका बेस बहुत कमजोर है। तो ये तो चाहते हैं कि एक ऐसा नायक मिले जो पंजाब में बहुत मजबूत स्थिति में हो और उसको सामने खड़ा करके अर्जुन की तरह जितने भी हैं सबका विनाश किया जा सके। पपने साहब हमारे साथ हैं, तो तुरुप का पत्ता तो ये साबित होंगे अगर बीजेपी इनको लेती है। पपने साहब हमारे साथ हैं, पपने साहब से मैं समझना चाहूंगा, जो दूसरा मेरा सवाल था कि एक तीर से कई निशाने, मिश्रा साहब ने कहा, पपने